नमस्कार दोस्तों, फील ऑसम नेचर में आपका स्वागत है। आज मैं एक बहुत ही अच्छे प्लांट की जानकारी दूंगी जो बहुत ही अच्छा है और बहुत ही कीमती है। आयुर्वेदिक दवा में इसका यूज़ भी होता है, मोस्टली नॉर्मल घरों में भी इसका यूज कर सकते हैं हम लोग, और काफ़ी तरीके से इसका यूज होता है। और इस प्लांट्स का नाम है दोस्तों ऑर्गेनो, जिसे देसी भाषा में अजवाइन का प्लांट भी कहते हैं, लेकिन ये एक्चुअली में अजवाइन का प्लांट नहीं है, ना ही इसमें अजवाइन होते हैं, लेकिन इसकी जो पत्तियों की खुशबू होती है अजवाइन की तरह होती है, इसीलिए इसे देसी भाषा में अजवाइन कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में इसे ऑर्गेनो कहते हैं। जो पिज्जा के ऊपर डलता है वही ऑर्गेनो का प्लांट है, और इसकी पत्तियाँ सुखा के पिज्जा के ऊपर डलती है। और ये जो इसकी इसकी जो आप देख रहे हो टहनियाँ हैं, इसकी कटिंग बहुत ही आसानी से लग जाती है और बहुत ही आसानी से किसी भी जगह बहुत ही अच्छे से लग जाता है, ये देखिए। और इसका मैं आपको दिखाती हूँ इसकी फूल, देखिए कितने सुंदर इसके फूल होते हैं। ये ऑर्गेनो का फूल है। तो अभी इसके मौसम थोड़े आने वाले हैं, अब इसकी मैं छटाई की हूँ, तो देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ हो रहे हैं। ऐसे नॉर्मल मैंने बाल्टी में लगाया हुआ है, और मैं इसको कहाँ कहाँ लगाई हूँ पहले मैं आपको दिखाती हूँ, फिर इसकी कटिंग कैसे लगाते बताऊँगी दोस्तों। ये एक ये मैंने थैले में छोटे से पॉलिथीन में देखिए लगाए हूँ, और बहुत ही अच्छी ग्रोथ हो रहे हैं। दो कटिंग मैंने यहाँ पर लगा दिया है, ये देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ हो रहे हैं। एक मैंने यहाँ लगा दी है, और ये छोटी सी दूध की जो थैली आती है उसमें ही मैंने लगा दिया है, देखिए। एक ये है प्यारा सा अच्छा सा कटिंग। तो दोस्तों ये ऑर्गेनो का जो प्लांट है वो नॉर्मल मिट्टी में भी हो जाता है, और अगर आप बालू या कोकोपीट मिक्स करके मिट्टी में लगाएंगे तो भी हो जाता है। ये हर कंडीशन में मैंने देखा है ऑर्गेनो का प्लांट बहुत ही अच्छा ग्रोथ करता है। ज़मीन पर इसका है वो भी काफ़ी अच्छा फैला हुआ है मेरा, तो उस ज़मीन पे तो मैंने दिखा था काफ़ी चींटियाँ लग गई थी, तो मैं दवाई छिड़की हूँ। और ये आप देखिए गमले में लगाई हूँ सिंपल मिट्टी में, फिलहाल इसमें कोई खाद नहीं है, लेकिन आप खाद मिक्स कर सकते हो। और जैसा कि मैं पहले बताई कि नॉर्मल मिट्टी में भी हो सकता है, या फिर कोकोपीट बालू मिक्स करके लगा सकते हैं। और उसमें जब हम मिट्टी में कोकोपीट या बालू मिक्स करें तो साथ में बर्मी कंपोस्ट या गाऊ डंग खाद भी मिक्स करके लगा देंगे तो बहुत ही बेहतर हो जाएगा। और इसकी एक टहनियाँ जैसे कि हम ले लिए हैं, तो आप ये ध्यान रखें कि जैसे पत्तियाँ रहेगी तो आपके लिए बहुत ही आसान रहेगा लगाना, क्योंकि आपको ये पता चल जाएगा कि कहाँ से लगाना है। तो ये ऊपरी हिस्सा आप ध्यान रखिए, ये ऊपरी हिस्सा ऐसे ही, बस इसको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है दोस्तों, बस इसको मिट्टी पहले से गीली रखें और इसकी कटिंग बस ऐसे लगा दीजिए। हाँ, ये ध्यान जरूर रखिएगा कि जब ये हम लगाते हैं तो तुरंत ज़्यादा पानी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा पानी की वजह से इसकी जो ये टहनियाँ हैं नीचे वाली वो सड़ने लगती है। तो मीडियम में पानी रखिए, जब इसकी ग्रोथ अच्छी होने लगे तो नॉर्मल तरीके से जैसे सभी प्लांट्स के लिए पानी डालते हैं तो उसी तरह इसमें पानी डालिएगा, तो बहुत ही अच्छा होगा। और बहुत ही हार्डी प्लांट है, मतलब बहुत समय तक सर्वाइव करने वाला प्लांट होता है। तेज़ धूप अच्छी लगती है, मतलब नॉर्मल धूप भी चलेगी तेज़ धूप भी चलेगा, बहुत ही अच्छा प्लांट है। इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी होती है, और अभी तो इसका ये कटिंग लगाया छटाई उटाई की हूँ तो ऐसा है, लेकिन अभी इसका सीज़न है और बारिश में तो दोस्तों ये काफ़ी हरा भरा हो जाता है, इसकी टहनियाँ दिखती नहीं है, और अभी छटाई की वजह से नई नई पत्तियाँ निकलना शुरू हुआ है, तो इसकी कंडीशन ऐसी है देखिए। तो दोस्तों इसे आप ज़रूर लगा लीजिएगा, और इसे कोकोपीट में भी आप लगा सकते हैं, ओनली कोकोपीट में भी आप लगा सकते हैं। जब इसके जड़ें निकल जाए तो आप इसको मिट्टी में भी लगा सकते हैं, तो कई तरीके से आप लगा सकते हैं ऑर्गेनो का प्लांट। और इसकी चटनी भी बहुत अच्छी, इसकी पत्तियों की चटनी भी बहुत अच्छी बनती है। अक्सर देसी घर मतलब अपने देसी स्टाइल में इसको लहसुन मिर्ची के साथ अचार के साथ खट्टी मतलब चटनी बनाई जाती है, बहुत ही अच्छा लगता है। या फिर आपके जो ब्रेड पकौड़ा होता है उसमें यूज होता है, मतलब चटनी किसी भी तरीके से यूज कर सकते हैं। तो और आयुर्वेदिक दवा में भी इसका बहुत इस्तेमाल होता है। इसकी खुशबू अजवाइन की तरह भीनी भीनी हल्की हल्की आती है, जो बहुत अच्छी लगती है दोस्तों। तो इस प्लांट्स को आप ज़रूर लगाएं, हर पर्पज़ से बहुत ही अच्छा ऑर्गेनो अजवाइन का प्लांट है। और मेरी जानकारी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।